नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस चौहान और E&I टेक्नीशियन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम ड्यूल का पावर डायग्राम कैसा होता है। तो दोस्तों, ड्यूल का पावर डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि ये हमारा आर वाई बी। दोस्तों, ये हमारे तीन फेज होते हैं, ये थ्री फेज होता है हमारा, 440 वोल्ट। इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे MCB लगी होती है, MCB थ्री पोल, अथवा इसकी जगह पे हम MPCB भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हमारा क्या, फिर नीचे यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर लगा होता है, ये हमारा कॉन्टेक्टर लगा होता है। अब कॉन्टेक्टर का जो ये पॉइंट होते हैं अपना L1, L2 और L3 होते हैं, और जो नीचे का पॉइंट होते हैं वो होते हैं T1, T2 और T3 होते हैं। इसके बाद फिर हमारा ये हमारा दोस्तों OLR लगा होता है। OLR का जो हमारा ये वाले पॉइंट होते हैं, ये होते हैं U, V और W। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या होता है, सीधा का सीधा ये पॉइंट सीधे OLR से होते हुए जो हमारा मोटर होता है, सपोज दैट हमारा ये मोटर का टर्मिनल है, मोटर के टर्मिनल का ये हमारे पॉइंट हो गए। अब ये हमारा होगा U1, V1 और ये होगा हमारा W1। फिर नीचे हमारा जो होगा वो ये पॉइंट हमारा होगा W2, U2 और ये V2। कुछ ऐसा होता है दोस्तों हमारा मोटर का टर्मिनल प्लेट। फिर हमारा जो यहाँ सप्लाई आने के बाद में सीधा यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाती है दोस्तों। और ये हमारा अगर मोटर स्टार में चल रही होती है तो ये हमारे पॉइंट आपस में लूप होते हैं, और अगर डेल्टा में चल रही होती है दोस्तों तो ये हमारा हो गया, ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया दोस्तों। लेकिन अगर मोटर हमारी डेल्टा में चल रही होगी तो फिर कुछ ऐसा कनेक्शन रहेगा, U1, V1 और W1। यहाँ पर रहेगा हमारा W2, U2 और V2। तो अगर हमारी मोटर डेल्टा में चल रही होगी दोस्तों तो डेल्टा कनेक्शन कुछ ऐसे होते हैं इस तरीके से। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।